दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सब अच्छे ही होंगे, आशा करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ और मैं आप कहाँ पर जाने वाला हूँ और जाने के पहले आपको क्या दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन घर जाने के पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ मथुरा वृंदावन के पूरे मंदिर, जो प्रेम मंदिर है, कीर्ति मंदिर है बरसाना, और निधिवन के जितने भी सारे मंदिर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं राजस्थान से निकलूंगा और जाऊंगा सीधे मथुरा, और मथुरा में जाकर के हो सकता है आपके पास में आज नहीं तो कल पक्का वीडियो आ जाएगा, जो कीर्ति मंदिर जितने भी मंदिर है वहाँ पे सब मंदिर मैं आपको दिखाऊँगा, और बरसाना जा कर के वृंदावन में और मथुरा में जा कर के कृष्ण जन्मभूमि के सब वीडियो आपके पास आने वाले हैं। तो जो यूपी से हैं, मथुरा से हैं, वो भी इस वीडियो को लाइक करें, और जो राजस्थान से हैं वो भी करें। और मैं यहाँ पे किस तरीके से रह रहा हूँ तो मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे छत पे आए हुए हैं, तो क्या है कि देख सकते हैं आप, बहुत ही सुहाना मौसम है। आप देख सकते हैं पीछे भी कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा आपको सबको ये व्यू दिखा दें। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और हालांकि और भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मथुरा वृंदावन के होली के भी वीडियो डले हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल अभी जा कर के दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं पीछे कितना मैदान डला हुआ है, यहां पे पार्क भी है, ये इसमें जाते हैं लोग तो इसमें, लेकिन उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी वातावरण शुद्ध रहता है। वो आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज बारिश जाके बंद हुई है, तो मैं आपको वहाँ पर जा कर के कम्प्लीट ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और मेरा नाम है कुलदीप, और मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, लेकिन मैं राजस्थान में रहता था, अब घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से हैं। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और यूपी में जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, खासतौर पे मथुरा ब्रिज में जितने हैं वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप कैमरा घुमा क्यों रहे हो बार बार, तो मैं दोस्तों आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी अब चल के आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा, मैं रूम में रहता था और अभी भी हूँ रूम में ही, लेकिन अब उसको छोड़ के जा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करता था सब कुछ बताने वाला हूँ। तो रूम भी दिखाऊँगा आपको, और आप देखें, और यहाँ पर व्यू लें, ये छत है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ब्रिज से हैं और राजस्थान से हैं, या यूपी में किसी भी, यूपी में, एमपी में, कहीं से भी हैं आप, तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट्स करें। और दोस्तों यू ब्रिज में घूमने के बाद में मैं जाऊँगा बागेश्वर धाम, ठीक है। बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हुए जितने भक्त हैं वो भी देख सकते हैं, उनके 2 या 4 दिन के अंदर बागेश्वर धाम का वीडियो पूरा आ जाएगा। सूरजपुर धाम, बागेश्वर धाम, जितने भी धाम है सब कहीं जा करके आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, कंप्लीट ब्लॉग दिखाने वाला हूं। तो आप बस बने रहें और जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो और आपके पास आ जाए, ठीक है दोस्तों।